हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का फिटनेस टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की तरफ से दिया जाता है, वो टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, यानी क्लास फर्स्ट से थर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी फिटनेस को मेजर करना है तो कौन कौन से टेस्ट उनके करवाने चाहिए, तो वो मैं वन बाय वन यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने BMI टेस्ट डिस्कस किया था और प्लेट टैपिंग टेस्ट फॉर स्पीड एंड लिम्ब एजिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं जो वीडियोस कंटिन्यू कर रही हूँ वो मैं वो सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि नए इंक्लूड हुए हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में। तो वीडियोस को पूरा जरूर देखिए और आगे के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल में फ्लैश हो जाए। तो आज जिस टेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे वो है फ्लेमिंगो टेस्ट फॉर बैलेंस, यानी फ्लेमिंगो टेस्ट भी बैलेंस को मेजर करने के लिए करवाया जाता है फ्रॉम एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्लेमिंगो टेस्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया 5 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, यानी फर्स्ट टू थर्ड क्लास के बच्चों के लिए होता है। स्टार्ट करते हैं पर्पस से। ऑलरेडी मैं अपने सारे वीडियोस में बता रही हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप पर्पस क्या है उस टेस्ट का। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन फ्लेमिंगो टेस्ट या एक्सप्लेन एनी वन टेस्ट फॉर 5 to 8 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन टू मेजर देयर फिटनेस, उस केस में आपको जरूरी है कि आप टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वे में लिखें, जिसमें आपका पर्पस, इक्विपमेंट और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मेन इसी से आंसर निकल के आता है कि एक्चुअली टेस्ट में क्या समझा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्पस। टू चेक द बैलेंस एंड स्ट्रेंथ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द सिंगल लेग, एक पैर पे खड़े रहकर बच्चे का बैलेंस कैसा है और उसकी स्ट्रेंथ एबिलिटी, यानी एक पैर पर अपने पूरे भार को संभाल लेने की उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, वो मेजर करने के लिए यह टेस्ट करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बैलेंस ऑन अ गिवन बॉक्स और ब्लॉक और ब्रिक इन गिवन टाइम ऑन वन लेग। किस तरीके से इसे करेंगे? तो ये बैलेंस मेंटेन करना होता है एक बॉक्स पर या फिर एक ब्रिक पर खड़े होकर, एक ईटे पर खड़े होकर, एक पैर पर फॉर अ गिवन टाइम, कुछ समय के लिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। नॉन स्लिपरी इवन सरफेस स्टॉप वॉच कैन बी डन ऑन जस्ट स्टैंडिंग ऑन बीम, किसी बीम पर खड़े होकर भी या जो बिना स्लिपरी कोई सरफेस हो, क्योंकि जो बच्चा है वो किसी ब्रिक पर खड़ा होगा, एक ईटे पर खड़ा होगा, तो उस केस में जो बच्चा है उसकी सरफेस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और साथ साथ स्लिपरी भी नहीं होनी चाहिए कि जो ईटा है, जो ब्रिक है, वो इधर उधर हिले जरा सा भी। कुछ इस टाइप से ये टेस्ट होता है, इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अगर आप सरफेस देखें तो स्लिपरी नहीं है, अप डाउन भी नहीं है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। देन आते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। स्टैंड ऑन बीम, कीप बैलेंस बाय होल्डिंग द इंस्ट्रक्टर्स हैंड। बैलेंस एक मेंटेन करना है आपको, इंस्ट्रक्टर का हाथ पहले वो बच्चा पकड़े रहेगा और एक बीम पर वो खड़ा होगा। व्हाइल बैलेंसिंग ऑन द प्रेफर्ड लेग, द फ्री लेग इज फ्लेक्स्ड एट द नी एंड द फुट ऑफ दिस लेग हेल्ड क्लोज टू द बटक्स। किस तरीके से उसे खड़े होना है? एक पैर जिस पर वो कंफर्टेबल है, यानी एक पैर जिस पर वो खड़ा हो सकता है, जैसे हम लोग भी सिकड़ी वगैरह खेलते हैं तो एक पैर जो होता है हमारा कंफर्टेबल होता है, उसी पैर से हम सिकड़ी खेल पाते हैं, दूसरा पैर हमारा जो हवा में रहता है। तो उसी तरीके से उस बच्चे का जो पैर उसके लिए कंफर्टेबल हो वो उस पैर पर खड़ा होगा, ब्रिक के ऊपर, जिसे बीम भी यहां कहा गया है, उसके ऊपर खड़ा होगा, और दूसरा पैर उसे मोड़ना है नी से, घुटने से उस पैर को मोड़ेगा और अपने बटक्स पे उसे अपने पैर को छुआना है, यानी इस तरीके से होल्ड कर लेना है, हवा में पैर नहीं रहेगा, इस तरीके से वो अपने हाथ से उस दूसरे पैर को पकड़ लेगा। स्टार्ट दी वॉच एज द इंस्ट्रक्टर लेट्स गो ऑन दी पार्टिसिपेंट, यहाँ गो ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि अपने एक हाथ को आगे करके, मतलब जो इंस्ट्रक्टर को उसने हाथ पकड़ाया था, अब इंस्ट्रक्टर पीछे हट जाएगा, उसका हाथ आगे रहेगा इस तरीके से जैसा इमेज में आपको दिख रहा है, दूसरे हाथ से वो अपने इस पैर को होल्ड किए रहेगा अपने बटक्स पे, और जो दूसरा पैर है उसका वो इस तरह के ब्रिक पर खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से उसे पोजिशन बनानी है, और जैसे ही
वॉच का वॉच स्टार्ट की जाएगी और या इंस्ट्रक्टर आपका गो बोलेगा उस बच्चे के लिए, तो उसका पूरा बैलेंसिंग की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. पॉज द स्टॉप वॉच ईच टाइम द सब्जेक्ट लूजेस बैलेंस आइदर बाय फॉलिंग ऑफ द बीम और लेटिंग गोज ऑफ द फूड बीम हेल्ड. जो स्टॉप वॉच है उसको तुरंत तब रोक दिया जाएगा जैसे ही इस बच्चे का बैलेंस बिगड़ेगा. जितनी बार जैसे यहां से पैर हाथ से पैर छूट गया या बच्चा इस ब्रिक से नीचे उतर जा रहा है या वो थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उस केस में स्टॉप वॉच को तुरंत रोक दिया जाएगा क्योंकि उतना टाइम जितने टाइम में वो वापस ठीक से खड़ा हो उतने टाइम को नहीं काउंट किया जाएगा ना, वो जितने टाइम खड़ा है सही से उस टाइम को काउंट किया जाएगा. तो इसीलिए स्टॉप वॉच को रोका जाएगा जितनी बार वो डिसबैलेंस होता है. रिज्यूम ओवर अगेन टाइमिंग अंटिल दे लूज बैलेंस. फिर से घड़ी को स्टार्ट कर देंगे, वो जब फिर से बैलेंस वे में आ जाएगा तो फिर से घड़ी को स्टार्ट कर देंगे जब तक वो पूरी तरह अपने बैलेंस को ना खो दे. काउंट दी नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकेंड ऑफ बैलेंसिंग. 60 सेकेंड्स में देखना है, 60 सेकेंड्स के लिए ये टेस्ट किया जाएगा. 60 सेकेंड में वो कितनी बार अपने बैलेंस को खोलता है, कितनी बार उसका बैलेंस लूज होता है, नंबर ऑफ फॉल्स कितने होते हैं उसके, वो काउंटिंग करना है 60 सेकेंड्स में. यानी आपका एक मिनट के लिए वो बच्चा बैलेंस वे में खड़ा होगा और उस एक मिनट में वो कितनी बार अपने बैलेंस को लूज करता है ये काउंट करना है. इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स इन दी फर्स्ट 30 सेकेंड्स द टेस्ट इज टर्मिनेटेड. अगर बच्चा 15 बार अपने बैलेंस को खोया है स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में ही, तो फिर उस टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. यानी उस बच्चे को फिर वो बच्चा फिट नहीं है, बैलेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है अगर वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 15 से ज्यादा बार डिसबैलेंस हो रहा है. अदरवाइज 60 सेकंड तक बच्चा कितनी बार फॉल होता है ये काउंट किया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन क्या दिया गया है यहाँ पे, पार्टिसिपेंट शुड बी इनकरेज टू आई फोकस्ड ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अहेड. बच्चे को ये सजेस्ट किया जाए कि उसका बैलेंस ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन तब रहेगा जब वो अपने किसी ऐसी चीज को देखे जो कि खुद स्थिर है. यानी उस ऐसी चीज पर फोकस करे बच्चा, वॉच करे ऐसी चीज को जो कि एक स्टैंड बाय में खड़ी है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी है, उस पर वो फोकस करे ताकि उसका बैलेंस मेंटेन हो पाए. तो ये चीज उसको सजेस्ट की जाएगी जिससे वो बैलेंस एक बना सके अपना टेस्ट के दौरान. स्कोरिंग कैसे होती है, द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स और लूज ऑफ बैलेंस इन 60 सेकेंड ऑफ बैलेंसिंग इज रिकॉर्डेड. 60 सेकेंड में उसने कितनी बार बच्चे ने बैलेंस अपना खोया है ये रिकॉर्ड किया जाएगा. इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स द टेस्ट इज टर्मिनेटेड. ऑलरेडी बताया गया कि अगर स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में वो 15 से ज्यादा बार बच्चा अपने बैलेंस को लूज करता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा. टीचर कैन ऑल्सो क्रिएट ओन नॉर्म्स फॉर इवेल्युएशन लाइक दिस. टीचर जो है वो अपने इवेल्युएशन भी इसमें लगा सकता है जैसे इस तरीके से यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया है. ठीक है, जैसे बॉयज फॉल्स इन 60 सेकेंड्स कितनी बार, एक बार भी नहीं गिरा बच्चा तो एक्सीलेंट कैटेगरी में है, एक से दो बार गिरा तो गुड कैटेगरी में है, 3 से 5 तो एवरेज, 6 to 9 फेयर, 10 to 12 पुअर और 13 से अबव बार तो बैड. इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है. तो इस तरीके से आपका फ्लेमिंगो टेस्ट मेजर किया जाता है. एक चीज है कि इसका नाम फ्लेमिंगो टेस्ट क्यों है, तो फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम होता है जो एक पैर पे खड़ी रहती है पानी के अंदर. तो उसी तरीके से इस टेस्ट को भी अगर आप देखें तो इस टेस्ट में भी जो बच्चा है वो एक पैर पे खड़ा रहता है, तो इसीलिए इस टेस्ट को फ्लेमिंगो टेस्ट नाम दिया गया है. तो ये तीन टेस्ट जो कि BMI, फ्लेमिंगो टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट, ये हमने कंप्लीट किया है अपने इस चैप्टर में टेस्ट मेजरमेंट में. नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी कि 9 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए यानी 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करूंगी. तो चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए आगे के वीडियोस के साथ भी बने रहिएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगी. और जो नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं आपके सिलेबस में उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं, उसको मैंने पूरा वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से नए टॉपिक हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा. बाकी चैनल को बाकी दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में इन सब में शेयर जरूर करिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझ सकें. और क्लास 12th के आपके बिजनेस पीरियड यानी फिजिकल एजुकेशन के जितने आपके टॉपिक्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट मैंने अपनी क्लास 12 प्लेलिस्ट में
डिस्कस किए हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक में नए पुराने किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो टॉपिक आराम से मिल जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी मेरी एक प्लेलिस्ट बनी है आपकी फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिए। वहां पे आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू फॉर्म में और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, ताकि आप एक अच्छी प्रैक्टिस अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।